हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, उसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई और उसकी क्या क्या डेवलपमेंट स्टेजेस। फ्रेंड्स, अप टू 1900 तक जो फिजिक्स हम जानते थे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के तीन ब्रांच होती हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली होती क्या है स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद ऑब्जेक्ट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायमेंशन 10^6 मीटर के ऑर्डर की होती है उनके साथ क्लासिकल फिजिक्स डील करती है। तो जो इन ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सीन कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिकल फिजिक्स को स्टूडेंट्स हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो न्यूटन के जो लॉज थे वो क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। उस टाइम पर जितने भी फिनोमेना थे उन सबको किसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर पाते थे, क्लासिकल लॉज की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर पाए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया हमें ये फील होता गया विद द डिस्कवरी ऑफ वेरियस फिनोमिनाज लाइक रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें ये महसूस हुआ कि जो ये क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं ये एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल के ऊपर फेल हो जाते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई फिजिक्स का बर्थ हुआ जिसको हम नाम देते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब क्या क्या फेलियर रहे स्टूडेंट्स क्लासिकल फिजिक्स के, फर्स्ट जो फेलियर था क्लासिकल फिजिक्स का कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अगर हम क्लासिकल एटॉमिक मॉडल की बात करें तो हमारे पास था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल जो होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का वो एग्जिस्ट करता है इन द टीनी सेंट्रल कोर जिसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर फिक्स ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इट मस्ट रेडिएटेड सम एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएटेड करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसका जो रेडियस है ऑर्बिट का रेडियस जिसमें वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वो डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फॉल कर जाएगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जो क्लासिकल फिजिक्स है डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फर्दर उसको किसने एक्सप्लेन किया था, बोहर ने एक्सप्लेन किया था By applying quantum condition on the atomic orbits. उसके बाद जो next failure था classical physics का, that was the it could not explain the spectrum of hydrogen atom. तो हम जानते हैं students hydrogen का एक simplest atom है, तो इसके spectra को भी जो classical mechanics के laws थे explain नहीं कर पाए थे। वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा तो स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का उसमें हमें कुछ ब्राइट लाइनें दिखाई दी। डेट मीन्स जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो कैसा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। तो क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आया था स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, जो ब्लैक बॉडी है और जो सराउंडिंग है, बॉडी और सराउंड रेडिएशन और मैटर के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इट जबकि एक्चुअली में कैसा होता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। उसको किसने एक्सप्लेन किया था, आगे क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग प्लैंक हाइपोथेसिस, जिसको हम आगे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फेलियर था क्लासिकल फिजिक्स का कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज इनसफिशियंट एनर्जी।
अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, इट शुड हैव 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वाइल जो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी मिली हमें वो कितनी मिली, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो क्लासिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट क्वांटम क्या कहती है कि दिस इज पॉसिबल फॉर एटॉमिक पार्टिकल्स. एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए क्या है, पॉसिबल है. उसके बाद जो फेलियर रहा क्लासिकल फिजिक्स का, कि ये स्पेसिफिक हीट के वेरिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी विद टेम्परेचर, कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इसको भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो क्लासिकल फिजिक्स कहाँ कहाँ फेल हुई आपकी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, विच आर सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स. तो डेवलपमेंट स्टेजेस क्या थी अब क्वांटम मैकेनिक्स की, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो दो स्टेजेस में डेवलप होती है. जो डेवलपमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की उसको हम टू स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं. पहली जो स्टेज थी वो थी आपकी प्लैंक्स हाइपोथेसिस, जिसे 1900 में प्लैंक्स ने प्रपोज किया था. उसने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया बाय अज्यूमिंग दैट जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में एमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रेडिएशन. तो उसने क्या बताया, रेडिएशन का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है. जो सेकेंड स्टेज थी That begin with Irwin Schrodinger, which gave the wave theory. उस second stage किसने explain की थी? Second stage क्या थी? Irwin Schrodinger wave theory. The timeline of quantum mechanics start from 1900 में Planck's hypothesis आई थी. उसने क्या बताया था कि जो energy का exchange होता है between matter and radiation वो discrete packets के form में होता है, and each packet of energy contains energy E equals to h nu. तो उसने यहाँ पर रेडिएशन के पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है. नेक्स्ट 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था. उसने प्लैंक्स हाइपोथेसिस का यूज करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में प्लैंक्स हाइपोथेसिस का यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था. उसने भी क्या बताया, जो रेडिएशन है उनका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है. उसके बाद 1913 में नील्स बोहर आया. उसने क्या क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था बाय अप्लाइंग क्वांटम कंडीशन ऑन द एटॉमिक ऑर्बिट्स. 1923 में कॉम्प्टन इफेक्ट आया था. कॉम्प्टन ने क्या 1923 में कॉम्प्टन ने क्या कहा था, उसने क्या किया, कॉम्प्टन ने क्या किया कि एक्सरेज को अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर करते हैं तो जो एक्सरेज होती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानी जाती है, वो उनका कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है. तो ये जो फिनोमिना थे क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हुए, क्वांटम ने इनको एक्सप्लेन किया. उसके बाद 1927 में डेविसन एंड जर्मर आया था. उसने एक थ्योरी डेवलप की. उसने क्या कहा, उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो पार्टिकल है उनका वेव कैरेक्टर होता है. तो यहाँ तक 1923 तक हम क्या मानते थे, कॉम्प्टन इफेक्ट तक हम क्या मानते थे कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं. उसके बाद 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या बताया कि जो पार्टिकल है उनका कैसा नेचर होता है, वेव का नेचर होता है. उसके बाद आए थे हेजनबर्ग एंड इरविन स्क्रोडिंजर. हेजनबर्ग ने क्या दी थी, मैट्रिक्स मैकेनिक्स दी थी, और इरविन स्क्रोडिंजर ने क्या की थी, वेव मैकेनिक्स दी थी. इसने क्या किया, कंबाइन किया वेव थ्योरी को विद वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रिलेशनशिप से. उसके बाद डिराक, मैक्स बोन एंड पॉली आए थे. तो स्टूडेंट्स अप टू 1927 तक जो थ्योरी जानी जाती थी उसको हम बोलते थे ओल्ड क्वांटम थ्योरी. और हेजनबर्ग, इरविन स्क्रोडिंजर, डिराक, मैक्स बोन, पॉली, इनकी थ्योरी को हम बोलते हैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी. तो ये थी डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. अब हम स्टडी करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में. व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. बॉडी क्या होती है, ए बॉडी डेट कैन एब्सॉर्ब
ऑल द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इट एमिट ऑल द रेडिएशंस इन रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। तो ऐसी बॉडी जो सभी रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उन सभी रेडिएशंस को क्या कर दे, एमिट कर दे, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन एमिट होती है ब्लैक बॉडी से उनको हम बोल देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को स्टडी किया तो वो हमें कुछ इस टाइप का मिला। इफ वी प्लॉट द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम विद वेवलेंथ देन द स्पेक्ट्रा कम्स लाइक दिस। हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है। जो ये सॉलिड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी। फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रा यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म एमिशन है। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इस वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से स्पेक्ट्रा से हमें दिखाई दे रहा है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन कम एमिट हो रही है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन उससे थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में एमिट हो रही है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन उससे थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में हो रही है, और ये जो वेवलेंथ है पीक के कोरिस्पॉन्ड ये वेवलेंथ क्या हो रही है, सबसे ज्यादा एमिट हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है तो ये एनर्जी रेडिएटेड क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता जा रहा है, ये देखना स्टूडेंट्स इस साइड क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है और राइट साइड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होता जा रहा है एनर्जी रेडिएटेड क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इस बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एफर्ट दिया वो थे आपके रिले एंड जीन्स। दो साइंटिस्ट थे ये, रिले एंड जीन्स। इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई ओवर लैम्डा की 4 kBT डी लैम्डा, वेर ई लैम्डा डी लैम्डा क्या है, यहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए उन्होंने क्या बताया, एज लैम्डा टेन टू इनफाइनाइट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, एज लैम्डा टेन टू इनफाइनाइट, लैम्डा इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ई लैम्डा डी लैम्डा टेंड्स टू जीरो। यहाँ ग्राफ से देखिए इस साइड क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एज लैम्डा टेंड टू इनफाइनाइट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एट दिस पॉइंट, फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एज लैम्डा टेंड टू इनफाइनाइट द एनर्जी एमिटेड इज जीरो। ओके, ये तो यहाँ से सेटिस्फाई कर गया। बट इफ लैम्डा टेंड टू जीरो देन ई लैम्डा डी लैम्डा टेंड टू इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कर्व में क्या रहा है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे लैम्डा आपका डिक्रीज करेगा एनर्जी रेडिएशन रेडिएटेड एनर्जी क्या होगी, आपकी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगी। बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ये क्या होनी चाहिए, एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज होनी चाहिए, पैराबोलिक कर्व बनना चाहिए आपका। ये डॉटेड लाइन में ऊपर वाला कर्व शो कर रखा है, ये क्या है, पैराबोलिक कर्व बनना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका लो वेवलेंथ रीजन में क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आए थे विंस, विंस नाम के फिजिशियन आए थे। उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया, उन्होंने उन्होंने थर्मोडायनेमिक आर्ग्यूमेंट यूज करके एक एक्सप्रेशन दिया ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 ई की पावर माइनस एच सी ओवर लैम्डा के बी टी डी लैम्डा।
ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ रीजन के लिए देखें, शॉर्ट वेवलेंथ रीजन के लिए अगर हम लैम्डा टेंड टू जीरो करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या करेगा, आपका डोमिनेट करेगा। तो इन दैट केस जो ई लैम्डा डी लैम्डा फॉर शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एस लैम्डा टेंड टू जीरो, फॉर शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा डी लैम्डा क्या करेगा, आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में हम देखें, देखिए शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मिल रहा है, दैट मींस शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में तो ये क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई कर गया, मैच कर गया एक्सपेरिमेंटल कर्व से। लेकिन हाई वेवलेंथ रीजन पे देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जो रिले एंड जीन्स लॉ था आपका, वो शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में फेल होता है, वो क्या करता है ग्राफ को हाई वेवलेंथ रीजन में तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन वो शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और जो ये विंस लॉ है ये शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इट इज फेल इन हाई वेवलेंथ रीजन। यहाँ से देखिए ये दोनों कर्व, यहाँ से ये जो डॉटेड कर्व है ये क्या है, विंस विंस एक्सप्रेशन है, जो विंस विंस के एक्सप्रेशन से डिराइव किया गया है। इट इज नॉट परफेक्टली मैच विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो जो रिले जीन्स एंड विंस थे ये क्या हो गए, ये इन्होंने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक व्यू से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स आपने देखा जो क्लासिकल फिजिक्स है वाज कंप्लीटली फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस दैट जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसी टर्म में आगे बढ़ते हुए मैक्स प्लैंक आया था, उसने 1900 में एक थ्योरी दी जिसको हम प्लैंक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसने क्या कहा, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है उसको हम ये मान सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिलके बना हुआ है, और हर एक ऑसिलेटर की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है, और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पोंड उसकी अपनी एक एनर्जी होगी। तो इसी आइडिया को यूज करते हुए उसने क्या कहा, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट मस्ट बी डिस्क्रीट। जो एनर्जी एक्सचेंज होगी बिटवीन रेडिएशन और मैटर के बीच वो पैकेट्स के फॉर्म में होगी, और हर एक पैकेट्स की अपनी एक एनर्जी होगी, हर एक पैकेट की अपनी एक एनर्जी होगी ई, जिसे उसने इस फॉर्मूले से डिराइव किया, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेर एच क्या था यहाँ पर, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6.62 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, जो ओसिलेटर है वो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ इन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एच न्यू, सो दैट जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट होती है वो क्या होती है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेर एन इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन, एन इज एन इंटीजर जिसको हम क्वांटम नंबर जानते हैं के नाम से जानते हैं। देखो स्टूडेंट, प्लैंक्स हाइपोथेसिस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ब्लैक बॉडी जो चैम्बर है उसके अंदर तीन ऑसिलेटर है, तो हर एक ऑसिलेटर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपना अपना एच न्यू होगा। तो जो फोटोन एमिट होंगे हर एक ऑसिलेटर से, ईच ऑसिलेटर से जो फोटोन एमिट होंगे वो 1 h nu का भी हो सकता है, जो एच न्यू है उसके मल्टीपल होते जाएंगे। जो फर्स्ट ऑसिलेटर है वो अपने एच न्यू के मल्टीपल फोटोन को एमिट करेगा, जो सेकंड ऑसिलेटर है वो अपने एच न्यू के मल्टीपल के फोटोन को एमिट करेगा, जो थर्ड एच न्यू है वो अपने एच न्यू के फोटोन को एमिट करेगा। तो हमने देखा जो रेडिएशन का एक्सचेंज हो रहा है पैकेट्स के फॉर्म में, उन सभी पैकेट्स की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस जो प्लैंक्स था वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस ही गेव एन एक्सप्रेशन दैट ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 pi sc और लैम्डा 5 1/e^(sc) और लैम्डा kBT-1 dλ। इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिले जीन्स लॉ और विंस लॉ को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं एज ए लिमिटिंग केस।
प्लैंक्स हाइपोथेसिस वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन।